का सवाल ही गलत है। इंडिया अलायंस फेल नहीं हुई, कुछ हद तक कांग्रेस नाकामयाब रही। ये इलेक्शन किन वजूहात के बुनियाद पे वो कांग्रेस बेहतर जानती है, लेकिन ये इलेक्शन अलायंस के तौर पे नहीं लड़े गए। अलहदा पार्टियों ने ये इलेक्शन जो है लड़े, इसमें कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, और भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारे। तो मैं इसको इंडिया अलायंस की नाकामयाबी या इंडिया अलायंस का हार नहीं समझता हूं, क्योंकि अलायंस के तौर पे हमने लड़ा नहीं। अब आगे जाके इंडिया अलायंस को जो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है इस वजह से, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, उसको किस तरह दुरुस्त किया जाएगा वो आगे जाके देखना पड़ेगा। Umar Bhattacharya yesterday said that she hasn't received any invite from India Alliance and that she will go on about her regular program. I can't speak for whether Mamta ji has got an invitation or not. I can only speak for the national conference, and the national conference received an invitation for dinner at the residence of the Congress president for tomorrow. Now, if this meeting takes place, then certainly we will attend. If for some reason it's postponed, then we'll see what happens going ahead. बड़ा अफसोस हुआ, ये हमारे कुलगाम के ही लोग थे और शिमला में एक हादसे में उनकी मौत हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि दोनों हिमाचल प्रदेश की हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत दोनों को इनको माली तौर जो है इनके लवाकिन जो है उनको मदद मिलनी चाहिए। मरकजी इलेक्शन नहीं है, लेकिन जब वो जीतते हैं तो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाजा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो तीनों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन क्या इन्हीं रियासतों के इलेक्शन के पैटर्न से होगा या नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। जी क्या नहीं सकते, व्हाट विल बी द नेक्स्ट इन J&K? दे आर क्लेमिंग द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर विल बी आल्सो फ्रॉम BJP। चीफ मिनिस्टर तब बनता है जब इलेक्शन होते हैं, बिना इलेक्शन किए कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। जब BJP इलेक्शन करने की मतलब मूड में ही नहीं, जब उनको इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, जब वो जानते हैं कि लोगों के सामने उनको भारी मतलब हार का सामना करना पड़ेगा। अरे आप असेंबली छोड़िए, पंचायत के इलेक्शन करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। 5 जनवरी को आपकी पंचायतें खत्म होंगी, आपके म्यूनसिपैलिटीज एक एक करके खत्म हो गए, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हो नहीं रहे, असेंबली का ये कहाँ से दावा कर रहे हैं। रही बात नंबरों की, अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3 सीटों पर रिजर्वेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। इससे पहले भी नॉमिनेशन से सीट भरी गई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट करने का काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नॉमिनेशन का इख्तियार देना, ये इस बात का सबूत है कि BJP वाले जानते हैं उनको नंबर मिलेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन के जरिए वो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करें। कैन वी एक्सपेक्ट इलेक्शंस हियर इफ द सिचुएशन इज नॉर्मल? एक्सपेक्ट तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करिए, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। BJP वाले जो हैं वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं। One and last, one and last. Is it true that where BJP wins, the Congress says they are going to Supreme Court? Because they are not satisfied about this result. Who is not satisfied? Congress. Elections are like that. You win some, you lose some. You can't only be satisfied with elections that you win. You must also be ready to accept defeat. Now, if the Congress has lost, unfortunately,
in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan. Instead of going to the Supreme Court, they need to analyze the reasons, because some people saw the writing on the wall earlier. I will share with you, I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in Chhattisgarh. Main us waqt hansa, main socha na ab ye kya baat kar rahe hain, kyunki Chhattisgarh BJP ko dene ke liye koi taiyar nahi tha. Lekin 2 mahine pehle mere ek sansad BJP ke dost hain, unhone kaha ki Chhattisgarh mein wo jeetne wale hain. तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? थैंक यू. अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.